फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और आज का वीडियो जो है वो है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 क्लास 12 कंटिन्यूटी का क्वेश्चन नंबर 17 से। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं एक्सरसाइज 5.1 के, जो इसमें कंटिन्यूटी की बेसिक्स मैंने बताए हैं और क्वेश्चन नंबर 1-12 एक में डिस्कस किए हैं, 13-16 दूसरे में डिस्कस किए हैं, तो ये वीडियो है थर्ड वीडियो जिसमें हमें पता लगाना है फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 3। तो जो पिछले वीडियोज हैं वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, लिंक क्लिक करेंगे आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, अगर ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है कौन से पॉइंट पे, एक्स इज इक्वल टू 3 पे, तो क्या होगा, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू होगी लेफ्ट हैंड लिमिट के और इक्वल टू क्या होगा वो एफ ऑफ 3। तो राइट हैंड लिमिट क्या बनती है, राइट हैंड लिमिट होगी लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ कौन सा पॉइंट पे, 3 पे, तो ये हो जाएगी 3 प्लस एच। लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 3.3 माइनस एच एफ ऑफ 3। फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 3, तो फंक्शन का वैल्यू 3 पे आप यहाँ पे एक्स की जगह 3 रख के निकाल दें क्योंकि एक्स इज इक्वल टू 3 इसमें है, इसमें नहीं है। तो ये हो जाएगा a इंटू 3 प्लस 1, a इंटू 3 प्लस 1। तो इससे हम निकाल सकेंगे f ऑफ, ध्यान से लिखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस h, 3 प्लस h भी इस अकाउंट में जाएगा b इंटू 3 प्लस h प्लस 3 लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 माइनस h, 3 माइनस h ऊपर वाले अकाउंट में जाएगा, ये जाएगा a इंटू 3 माइनस h प्लस 1 इज इक्वल टू, ये लिखा है 3a प्लस 1, h की जगह 0 रख दीजिए, ये हो जाएगा आपका 3b प्लस 3, ये हो जाएगा आपका 3a प्लस 1, ये भी 3a प्लस 1 है, दो बार 3a प्लस 1 है, तो फिर एक ही बार हम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3b प्लस 3 इज इक्वल टू 3a प्लस 1, यही रिलेशन है। लेकिन अगर आप इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना चाहते हैं तो 3b को उधर ट्रांसफर कर दें, 1 को उधर कर दें, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3a माइनस 3b, 3 माइनस 1 इज व्हाट 2, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 2a इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। ये है a और b के बीच में रिलेशन। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपको लैम्डा की वैल्यू पता लगानी है जिसके लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं आपको क्लियर होगा। फॉर व्हाट लैम्डा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x if x is less or equal to 0, 4x plus 1 if x is greater than 0 is continuous at x is equal to 0। दूसरी बात है, what about continuity एट एक्स इज इक्वल टू 1। दो बातें इसमें कि एक्स इज इक्वल टू 0 पे अगर ये कंटिन्यूअस है तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, और अगर आपसे पूछा है दूसरी बात कि इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करो एक्स इज इक्वल टू 1 पर, तो हम दोनों ही चीजें देखेंगे दोस्तों। चैनल अगर आपने लाइक नहीं किया हो तो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपके दोस्तों को और आपसे जुड़े हुए लोगों को भी मैथमेटिक्स की काफी बातें सीखने को मिले। कोई अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए या फिर मुझे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आप व्हाट्सएप करना चाहें तो ये व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है। आइए हम डिस्कस करते हैं, हमें क्या गिवन है, वी आर गिवन दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। सिंस द फंक्शन इज
continuous at x is equal to 0. Therefore, the right hand limit is equal to left hand limit is equal to f of 0. So what is right hand limit? Right hand limit will be, humko 0 pe nikalni hai, so right hand limit will be f of 0 plus h. Left hand will be limit h tends to 0, f of 0 minus h. And what about f of 0? F of 0 can be obtained through this. क्योंकि x is equal to 0 उसमें रख सकते हैं, तो वो हो जाएगा lambda into 0 square minus 2 into 0. तो lambda into 0, of course it is 0. 0 plus h, 0 plus h किसमें रख सकते हैं दोस्तों? 0 plus h means bigger than 0, इसमें रखिए आप. 4 into 0 plus h plus 1. 0 minus h किसमें रखेंगे आप? तो 0 minus h रखेंगे आप ऊपर वाले में, lambda into 0 minus h square minus 2 into 0 minus h. अब इसको कैलकुलेट कर ले तो ये आएगा 1, यहां लैम्डा h की जगह 0 रखेंगे तो ये being h square ये भी 0 हो जाएगा, और 2 into h, भले माइनस से माइनस कैंसिल होगा पर 2 into h और h 0 की तरफ जा रहा है तो ये भी 0 हो जाएगा, और is equal to क्या आ गया दोस्तों? 0 आ गया. आप ध्यान से देखिए, तो 1 is equal to क्या हो गया? lambda into 0 0 which is not true, ये सब possible नहीं होगा. तो इसका मतलब है ऐसा lambda, such lambda cannot be determined. ऐसा lambda, हम ऐसा lambda determine नहीं कर सकते. तो हमारा आंसर होगा कि lambda cannot be determined. lambda आंसर में दिखता हूँ आपको, so that you will come to know how one can be formal. Lambda cannot be determined. Lambda cannot be determined. Yeah, determined. जैसा भी आप pronounce करें, it is up to you now. अब ध्यान से देखिए. At x is equal to 1. Let us discuss about x equal to 1. So at x is equal to 1, right hand limit is what? Limit h tends to 0 upon 1 plus h. 1 plus h means bigger than 1. There are two conditions. One is for smaller than 0, other for greater than 0. And 1 plus h is what? Greater than 0. क्योंकि इसी condition में वो fit बैठेगा, तो यहाँ पे हम रखते हैं 4 into, ध्यान से देखिए, limit h tends to 0, 4 into 1 plus h plus 1. H की जगह 0 रखेंगे तो ये जाएगा 4 into 1 plus 1 is equal to 5. अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h. अब 1 माइनस h का इश्यू है, क्या ऊपर वाला आएगा? नहीं, नेवर, नॉट एट ऑल. पिछली बार में मैंने आपको डिस्कस किया था 1 माइनस h 1 से छोटा है. h क्यों? क्योंकि h नेगलिजिबल, इतना छोटा है हम लिख भी नहीं सकते. तो जब ये 1 में से अगर माइनस कर दिया जाएगा तो 1 में से माइनस करेंगे तो ये जाएगा 0.999. नहीं, तो ये देखेंगे आप कि ये 1 से तो छोटा होगा पर 0 से ये बड़ा होगा. तो दोनों ही सिचुएशन में आपको इसी को ऑप्ट आउट करना है, इसी में रखना है. तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 4 into 1 minus h plus 1. h की जगह 0 रखते हैं तो 4 into 1 minus 0 plus 1, तो ये हो जाएगा आपका 5. और f of 1, what is f of 1? तो f of 1 भी देख लेते हैं हम. f of 1 देखिएगा दोस्तों, ये वैल्यू आपका आया था 5, और f of 1, f of 1 x is equal to 1, तो 1 भी और greater than 0 तो वो भी इसी में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 4 into 1 plus 1 ये आ गया आपका 5. since RHL is equal to LHL is equal to f of 1, therefore the function f is continuous at x is equal to 1. तो आपके दो आंसर हैं, दो आंसर है, पहला आंसर और ये दूसरा आंसर है. तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 18, होपफुली आपको समझ में आया होगा. क्वेश्चन नंबर 19 भी आप देखिएगा, जिसे मैंने उसमें सॉल्व किया हुआ है, कंप्यूटर स्क्रीन पे सॉल्व किया है.
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा और होपफुली आपको ये बातें मेरी समझ में आई होंगी। विश यू ऑल द बेस्ट। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।